Welcome to this episode of School by Five आज के एपिसोड में हम समझेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में जैसा कि हमने समझा स्टॉक का वैल्यू करने के लिए तीन टाइप के अप्रोच होते हैं एंड वन ऑफ वाज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल डिस्काउंटेड कैश फ्लो में एक मॉडल होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड एज द नेम डिविडेंड डिस्काउंट यानी कि फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू पे अराइव करना लेकिन ये मॉडल को हम वही कंपनीज में यूज़ कर सकते हैं जहां डिविडेंड पे आउट होता है यानी कि ऐसी कंपनीज जो स्टेबल स्टेट में है एंड रेगुलरली डिविडेंड्स पे कर रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को क्योंकि अगर डिविडेंड पे नहीं होगा तो आपके पास डिस्काउंट करने के लिए कैश फ्लो ही नहीं होगा तो चलिए समझते हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है तो आप कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं सबसे पहला है ग्रोथ मॉडल। इस में आप कंपनी के फ्यूचर स्टेडी स्टेट डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड स्टेबल ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल्स डीपीएस वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी जहां DPS1 पी एस वन इज एक्सपेक्टेड डिविडेंट वन ईयर फ्रॉम नाउ यानी नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या डिविडेंड अनाउंस कर सकती है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये होता है इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करके हायर रिस्क ले रहा है उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है के ई यही रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करता है हमने पास्ट एपिसोड्स में के ई की कैलकुलेशन को डिटेल में समझाया है जस्ट टू रिफ्रेश के इक्वल्स आर एफ प्लस बेटा एंड अब द रिस्क फ्री रेट माइनस रिस्क फ्री रेट वो होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है टू इन्वेस्टर्स आर एम जो रिटर्न मार्केट या इंडेक्स देता है ग्रोथ रेट विच इज़ जी इन द फॉर्मूला ये होता है डिविडेंड का ग्रोथ रेट यानी कि कंपनी स्टेबल स्टेट में कितने परसेंट से डिविडेंड ग्रो कर सकती है फॉर एवर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंपनी एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है बेसिस गॉर्डन ग्रोथ मॉडल एंड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज रुप टेन एंड के ई इज टेन परसेंट एंड ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी सिक्स परसेंट

ट में शेयर पे ट्रेड कर रही है तो कंपनी इज कंसिडर टू बील समझ आ रहा है गॉर्ड ग्रोथ में आप सिंगल स्टेबल ग्रोथ रेट अज्यूम करते हैं कंपनी के डिविडेंड वही सेम परसेंटेज से थ्रू आउट द्रो होंगे इस चैलेंजेस भी हैं ए अगर आप फर्म के डिविडेंड को अज्यूम कर रहे हैं कि सेम रेट पे ग्रो होंगे फॉर तो कंपनी की अर्निंग्स को भी ग्रो करना होगा एट द सेम रेट अगर एक्चुअल अर्निंग्स का ग्रोथ लोअर हुआ तो डिविडेंड पे आउट बहुत इंक्रीज हो जाएगा और कंपनी ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएगी बी स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का इकोनोमी के ग्रोथ के लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए अब डिफरेंट एनालिस्ट की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं इकोनॉमी को लेकर तो ये अजम्पन ऑफ स्टेबल ग्रोथ रेट हे वायर हो सकता है एक स्टेबल कंपनी की ग्रोथ रेट कैन नॉट बी हायर देन दी इकोनॉमी लेकिन लोअर तो हो सकती है और अगर लोअर हुई तो ओवर टाइम कंपनी का साइज स्मॉल हो सकता है बिकॉज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ लार्जर रेट जैसे कि अगर आपकी कंपनी इकोनॉमी में टेन रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी तब इकोनॉमी का साइज हंड्रेड था तो कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इज टेन परसेंट अब अगर आपकी कंपनी की अर्निंग्स ग्रो हुई है रुपीज फिफ्टीन एंड इकोनॉमी का साइज टू हंड्रेड हो गया तो कंपनी का साइज इकोनॉमी में सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हो गया यानी कि कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो गया सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं वो है टू स्टेज ग्रोथ मॉडल ये उन कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है, जो अभी भी हाई ग्रोथ फेज में है और बाद में स्टेबल मोड में आ जाएंगी तो एनालिस्ट दो ग्रोथ रेट्स कर सकते हैं ये दो रेट्स होते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ फेज दैट लास्ट्स एन एंड अ स्टेबल ग्रोथ फेज दैट लास्ट फॉर एवर आफ्टरवर्ड एक्स्ट्रो ग्रोथ रेट is G percent each year for n years and then stable growth is GN forever. Value of the stock equals PV of dividends during extraordinary phase plus PV of terminal price. DPST equals expected dividends per share in year T. KE equals cost of equity bracket HG which is high growth period ST which is stable growth period.

इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक फार्मा कंपनी जिसको रिसेंटली एक पेटेंट मिला है दैट पेटेंट इज गोइंग टू रिमेन फॉर अ फ्यू ईयर्स तो वो फ्यू ईयर्स में ये कंपनी हाई ग्रोथ करेगी क्योंकि उसका ग्रोथ सुपर नॉर्मल होगा एंड एक बार जब पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो कंपनी का ग्रोथ रेट स्टेबलाइज्ड हो जाएगा थर्ड मॉडल इज कॉल्ड द थ्री स्टेज ग्रोथ मॉडल एज द नेम गोज जैसे फर्स्ट मॉडल में सिंगल ग्रोथ अज्यूम कर सकते हैं सेकेंड स्टेज में टू ग्रोथ एंड थ्री स्टेज में थ्री स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अज्यूम कर सकते हैं एंड इनिशियल हाई ग्रोथ फेज अ ट्रांजिशनल पीरियड जहां ग्रोथ इज हाई एंड अ फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ जो स्टेबल स्टेट होता है क्योंकि इस मॉडल में आप थ्री ग्रोथ स्टेजेस ले सकते हैं इसीलिए ये वायरस सेट ऑफ कंपनीज में यूज हो सकता है प्रैक्टिकली जो कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड इनिशियली इट विल सी अ वेरी हाई ग्रोथ रेट एंड फिर ओवर टाइम ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन एंड लॉन्गर रन में इट विल स्टेबलाइज एज मोर कॉम्पिटिशन एंड फर्म्स रेवेन्यू बेस बिकम्स लार्जर लेकिन इन ऑल मॉडल्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द कंपनी हैज़ टू डिक्लेयर डिविडेंड्स। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेगी तो आप ये मॉडल नहीं यूज कर सकते कंपनी को वैल्यू करने के लिए गाइज मेरी तरफ तो से फिलहाल इतना ही मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय फाइव पैसा के अगले एपिसोड में सी यू देन बाय